हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सवेल इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एंटर टीडीएस ट्रांजैक्शन एंट्री इन टीडीएस मैनेजमेंट फ्रॉम आईटेक सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने सॉफ्टवेयर में मेन मेन्यू में आना है, देन हमें टीडीएस मैनेजमेंट पर एंटर करना है, देन हमें ट्रांजैक्शन पर एंटर करना है, उसके बाद हमें टीडीएस पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टीडीएस ट्रांजैक्शन की स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे सबसे पहले हमें असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से असेसमेंट ईयर चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी है। देन टीडीएस डेट, एग्जांपल के लिए जैसे आप कोई भी इनवैलिड डेट एंटर करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे नोटिफाई करेगा, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ओके करना है। ओके करने के बाद हमें यहाँ पे वैलिड डेट फिल करनी है। वैलिड डेट फिल करने के बाद आप जो भी डेट सिलेक्ट करोगे सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग क्वार्टर सिलेक्ट कर लेगा। अब पेमेंट डेट, यहाँ पे आपके टीडीएस डेट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ने पेमेंट डेट ऑटो फिल कर दी है। इसके बाद पार्टी में आने के बाद हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ से आपको अपनी जो भी डायरेक्टरी है वो सिलेक्ट करनी है। अब सेक्शन, यहाँ आने के बाद हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी सेक्शन है वो सिलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको लिमिट शो होगी। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टैक्स कैटेगरी, यहाँ एंटर करने के बाद आपको टैक्स कैटेगरी शो होगी। जो भी टैक्स कैटेगरी आप पे एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी टैक्स कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है तो हमें नॉन कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अब एंटर करने के बाद अमाउंट, आपकी जो भी ग्रोस अमाउंट है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है। देन टीडीएस अमाउंट, टीडीएस परसेंटेज ऑटोमेटिकली शो होगा। आप इस परसेंटेजेस को मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो। एंटर करने के बाद टीडीएस अमाउंट परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो होगी। अब सरचार्ज और सेस अमाउंट अगर है तो फिल कीजिए, अदरवाइज इसे स्किप कीजिए। अब टोटल टीडीएस एंड नेट पेबल वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट होके शो हो रही है। इसके बाद बुक एंट्री, अगर आपकी बुक एंट्री है तो वाई प्रेस करना है। जब गवर्नमेंट के अंडर में टीडीएस काटना होता है तो बस एक्सपेंस डेबिट करते हैं और इनकम टैक्स हेड में क्रेडिट कर देते हैं। इस बुक एंट्री के द्वारा टीडीएस कहा जाता है और इस सिस्टम में कैश या चेक का कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। टीडीएस रिटर्न में हमें वाउचर नंबर दिखाना होता है जिसके थ्रू टैक्स से एडजस्ट किया जाता है और वाउचर की डेट एंटर करनी होती है। बुक एंट्री में अगर यस नहीं करना है तो नो कीजिए, देन एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको दो ऑप्शन शो करेगा, सेव या इग्नोर। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो इग्नोर कीजिए, अदरवाइज आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद आपकी टीडीएस की एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा हम अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, सीएमए, ऑडिट एंड अदर सॉफ्टवेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज वेबसाइट भी डेवलप करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर के आईबीएन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9510056789 एंड सेकेंड नंबर है 9510156789। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.i-tax.in। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो पर हम आपका आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।